हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. सो एज यू नो, वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम इज स्मार्ट चार्ट्स. ओके, वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड अवर टॉपिक नंबर 1, दैट वाज टेलीमार्क्स. ओके, सो लेट्स जस्ट रिवाइज एंड लेट्स लर्न मोर टॉपिक्स डेफिनेशन. ओके, सो फर्स्ट वन इज टेलीमार्क्स. अ वे ऑफ काउंटिंग बाय ड्रॉइंग मार्क्स टू रिकॉर्ड द डेटा इज कॉल्ड टेलीमार्क्स. I repeat, what is telemarks? A way of counting by drawing marks to record the data is called telemarks. You can also say every fifth line across the previous fourth line is called telemarks. Okay, they are used for counting. Okay, इसके related एक जो है exercise आपकी maths की workbook में ही है telemarks के regarding. So as you know, you can see यहाँ पे आपके लिए peacock के ये telemarks में number दिए गए हैं. So आपने पहले ही video में हमने सीख लिया है कि टेलीमार्क्स को काउंट कैसे करते हैं. ओके, सो यहाँ पे पिकॉक का लिखा है तो आपको उसके टेलीमार्क्स है ऑलरेडी दिए गए हैं, आपको उसके नंबर लिखने हैं. फॉर एग्जांपल, ईच बॉक्स इज अबाउट 5, सो 5, 10, 15, 20 and 25. ओके, सो यहाँ पे टेलीमार्क्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे नंबर लिखने हैं कि हाउ मेनी पिकॉक्स आर देयर. सो यू हैव टू राइट द नंबर इन दिस कॉलम 25. फॉर एग्जाम्पल ओल, अब सेकेंड नंबर है ओल, तो ओल के लिए भी टेलीमार्क्स आपको दिए गए हैं, आपको क्या करना है नंबर लिखने हैं कि कितने हैं, ये काउंट करना है. सो इसके लिए आपको टेलीमार्क्स की लाइन जो है वो ध्यान से काउंट करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15, 16, 17, 18. सो यहाँ पे आपको लिखना है 18. सो ऐसे ही टेलीमार्क्स के रिगार्डिंग आपकी मैथ्स की वर्कबुक में ये एक्सरसाइज है. अब जिसके टेलीमार्क्स दिए गए हैं उसके नंबर लिखने हैं, और जिसके नंबर दिए गए हैं, ये जो सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं. ओके, फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट, तो फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट के रिगार्डिंग यहाँ पे नंबर दिए गए हैं. अब यू हैव टू ड्रॉ टेलीमार्क्स, आपको अभी टेलीमार्क्स ड्रॉ करने हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फर्स्ट वन किया है, 17 नंबर है, तो अब आपको पता है कि हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट द 17 नंबर इन टेलीमार्क्स. सो 5, 10, 15, 16 and 17. ओके, तो यहाँ पे टेलीमार्क्स अकॉर्डिंग आपको ये नंबर के अकॉर्डिंग टेलीमार्क्स ड्रॉ करने हैं. ये एक्सरसाइज है टेलीमार्क्स के रिगार्डिंग ही. थर्ड वन जो है, ये टेलीमार्क्स भी दिए गए हैं, नंबर भी दिए गए हैं, इसके रिलेटेड आपको कुछ ब्लैंक्स टाइप एक्सरसाइज के में क्वेश्चन पूछे गए हैं. फॉर एग्जांपल इसके लिए गौतम स्पोक टू फ्यू पीपल रिगार्डिंग देयर फेवरेट एनिमल एंड क्रिएटेड द टेबल गिवन बिलो. आप अपनी मैथ्स की वर्कबुक में ये पहला ही टॉपिक जो है एक्सरसाइज के पेज का वो देखना, टेलीमार्क्स के रिगार्डिंग ही है. सो ये पूरा एक डेटा दिया गया है टेलीमार्क्स के अकॉर्डिंग, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं. फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट इज हाउ मेनी पीपल डिड गौतम स्पीक टू इन टोटल. अब यहाँ पे टोटल आपको करना होगा कि गौतम ने किन किन से बात की है. फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी पीपल डिड गौतम स्पीक इन टोटल, तो यहाँ पे ये जो नंबर है इनका आप टोटल करोगे ना, तो ये आपको 88 नंबर जो है फाइनल आंसर यू विल गेट. इसके लिए आपको एडिशन करना पड़ेगा. विच वाइल्ड एनिमल इज लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल. अब मोस्ट ऑफ द पीपल, विच एनिमल इज लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हाइएस्ट नंबर आप भी देख सकते हो, या फिर हाइएस्ट टेलीमार्क्स भी आप देख सकते हो. दैट इज, एज यू कैन सी, हाइएस्ट टेलीमार्क्स और नंबर है ये हिप्पोपोटेमस, तो यू कैन राइट हियर हिप्पो. तो ये जो है ये पूरा डेटा भी दिया गया है, नंबर भी दिया गया है, इसके रिगार्डिंग आपको ब्लैंक्स ये जो है अपनी मैथ्स की वर्कबुक में फिलअप करनी है. सो स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई टेलीमार्क्स की, फर्स्ट वन टॉपिक की. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ. सो वॉट इज द ग्राफ? अ ग्राफ दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग. इट कैन बी डिफाइंड एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स डेटा और वैल्यूज इन एन ऑर्गेनाइज मैनर इज नोन एज ग्राफ. मतलब कि ग्राफ किसे कहते हैं? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. मतलब कि आपको उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर आप पूरी डिटेल से ही उसका एनालिसिस करो, बट उसके लिए एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टाइप का होता है जो कि वेल मैनर्ड, वेल ऑर्गेनाइज में होता है. वो पूरा है जो ग्राफ है उसको बोलते हैं, ठीक है. सो अ ग्राफ दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग, इट कैन बी डिफाइंड एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट्स डेटा और वैल्यूज इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इज नोन एज ग्राफ. ओके, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम जो है वो ग्राफ, एक डेटा तैयार करते हैं, उसमें बहुत डिटेल से नहीं होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट
टाइप का ही वो होता है. ओके सो उसके रिगार्डिंग एज यू कैन सी इन योर मैथ वर्क बुक ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल है. नॉट लाइक दिस, नॉट द सेम, बट ऐसे ही एग्जाम्पल आपकी मैथ्स की वर्क बुक में है. अब उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ग्राफ, इसको बोलते हैं ग्राफ. अब ये जो है ना पिक्चर, ये जो है ये बार ग्राफ का है. देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ के रिगार्डिंग हम बाद में सीखेंगे, फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्राफ. तो ये जो है यू कैन सी दिस इज कॉल्ड ग्राफ, इसको हम ग्राफ बोलते हैं. एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये है, देखो ये जो आपको बार दिख रहा है ना, ये ओके रेक्टेंगुलर बार, इसको बोलते हैं ग्राफ. यहाँ पे पूरा एक डेटा है. फॉर एग्जाम्पल ये तो एक स्टूडेंट का टेस्ट का ग्राफ है, ठीक है. उसको टेस्ट वन में है, ये टेस्ट टू, टेस्ट थ्री एंड टेस्ट फोर. यहाँ पे मैंने 0, 50, 60, 70, 80 और 90 का ये जो है शो किया है. उसके लिए जो ना दो लाइन रिक्वायर्ड है, एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस. मतलब कि आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्टिंग ओ, और यू कैन राइट जीरो. ओके सो टू लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ ग्राफ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इसके लिए भी मैं आपको डिटेल से बाद में बताऊंगी, बट पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो है वो एग्जांपल है ग्राफ का. ओके इसके लिए जो है वो रेक्टेंगुलर एक यूनिफॉर्म विथ होता है, मतलब कि सबकी सेम चौड़ाई ही होती है, सबकी सेम विथ से ही हम ये जो है रेक्टेंगुलर बार हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है. इसके लिए मोस्ट आपको इम्पोर्टेंट है स्केल. स्केल का मेजरमेंट आपको बहुत अच्छे से लेना है, ना कि आपको जल्दी जल्दी में मिस्टेक करनी है, ठीक है. और यहाँ पे जैसे टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री और टेस्ट फोर, मुझे सिर्फ इतना ही डेटा चाहिए कि टेस्ट फोर तक उसको कितने मार्क्स आए, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट फोर के रिगार्डिंग ही बनाया है. ओके डेटा या कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मैंने लिखा नहीं है कि टेस्ट वन में यहाँ पे 70, पर यहाँ पे 50, 60, 70, 80 और 90 मैंने मेजर करके लिख दिया है. अब यहाँ पे भी जो आप ये जो ये नंबर लिखो, तो उसकी भी जो है एक यूनिफॉर्म विथ होने चाहिए, मतलब कि एक यूनिफॉर्म मेजरमेंट होना चाहिए. अगर आप एक एक पूरा सेंटीमीटर का गैप रख रहे हो, तो फिर सभी में आप एक एक सेंटीमीटर का ही, या फिर 5 सेंटीमीटर का गैप रख रहे हो, 2 सेंटीमीटर का, इट्स अपॉन यू कि आप जितना गैप फर्स्ट वन में रखो, फिर उतना ही गैप ये वाले सारे नंबर में सेम होना चाहिए, ठीक है. सेम यहाँ पे भी अगर ये रेक्टेंगुलर बार का जो है आप विथ जो है वो इतनी रख रहे हो, जितने सेंटीमीटर इसकी विथ हो, उतने ही सेंटीमीटर इसकी भी सेकंड वन की भी विथ होनी चाहिए, मतलब कि सिमिलैरिटी होनी चाहिए. नाउ ये जो है अ बार ग्राफ इज यूज्ड टू शो द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पीपल, मनी एटसेट्रा. ओके इट कैन बी एनीथिंग. इट ऑल्सो कॉल्ड कॉलम ग्राफ. आप इसको बार ग्राफ भी बोल सकते हो, कॉलम ग्राफ भी बोल सकते हो. इट कैन बी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. ओके वो हॉरिजॉन्टली भी होता है और वर्टिकली भी होता है. जो मोस्ट प्रॉपर वे होता है वो वर्टिकली होता है, जो कि स्टैंडिंग पोजिशन में होता है. नाउ ये जो ग्राफ है, बार ग्राफ है, वो हमें कैसे काम आता है, जैसे कि टेलीमार्क्स जो होता है ना, वो हमें डेटा रिप्रेजेंट करने में काम आता है ना, सेम वे टेल बार ग्राफ भी जो है हमें वही वे में काम आता है, कि हमें बार बार जो है वो डिटेल में किसी को बताना या लिखना नहीं पड़ेगा. अगर आपने एक बार ये बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, एकदम एक बार ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, तो फिर बार बार आपको वो रिप्रेजेंट वो डिटेल में आपको नहीं बताना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बार ग्राफ, फेवरेट कार्टून्स के रिगार्डिंग है ये, डोरेमोन, हेनरी, सिंचान, टॉम और अलादीन. अब वहाँ पे कितने कितने कार्टून, कितने पीपल के, कितने बच्चों के फेवरेट हैं, वो यहाँ पे मेंशन है. तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है. तो एक्स एक्सिस पे हमने डेटा लिख दिया है कि हम किस चीज़ के रिगार्डिंग जो है वो ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है. और यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया है, ठीक है. अब ये जो नंबर है ये भी चेंजेस हो सकते हैं, इसके रिगार्डिंग एक टेबल्स आपके रिक्वायर्ड है, मतलब कि आपके पास एक डेटा होना चाहिए कि आप किसके रिगार्डिंग ये जो है वो ग्राफ बना रहे हो. ओके क्योंकि डेटा होगा तभी तो आप ये ग्राफ बना पाओगे ना. सो एक्स एक्सिस पे हम ये जो है कार्टून्स के नाम लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम जो है नंबर लिख रहे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ओके सो डोरेमोन, हेनरी, सिंचान, टॉम एंड अलादीन. सो एज यू कैन सी, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं भी करूँगी तो भी आप ये हाईएस्ट ग्राफ जो है ना वो देख के बता पाओगे कि हाईएस्ट ग्राफ जो है वो किसका है. यहाँ पे देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ, तो ये ग्राफ जो है वो हाईएस्ट है डोरेमोन. सो डोरेमोन इज द लाइक बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. ओके सबसे लीस्ट देखो, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक लीस्ट कार्टून. सो सबसे लीस्ट में देखो ये वाला ग्राफ है, जो सबसे नीचा है, लोएस्ट है. सो दैट इज अलादीन. सो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ ने हमें कैसे हेल्प की कि मुझे वो बार बार आपको डिटेल में नहीं बताना पड़ा. अगर ये चीज़ आपने एक बार पिक्टोरियल में रिप्रेजेंट कर दिया है, एक बार ये
अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है ये डेटा, तो फिर बार बार आपको वो चीज़ बार बार लेंदी वे से एक्सप्लेन जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। अगर ये आप डेटा देखोगे तो भी समझ जाओगे ओके कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे लोएस्ट कौन सा है ओके। बट इसके लिए आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एक जो है पर्टिकुलर डेटा होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी जाके आप ये ग्राफ जो है वो बना पाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी देखो, दूसरा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जो है स्कूल सप्लाई स्टूडेंट्स यूज़, यहाँ पे मैंने एक रेंडमली एक पिक्चर लिया है जो कि पेंसिल स्केल सबसे ज़्यादा बच्चे क्या यूज़ करते हैं, तो पेंसिल स्केल पेन शार्पनर इरेजर का मैंने लिखा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग बाय ओ और यू कैन राइट जीरो ओके। नाउ यहाँ पे जैसे आप अपनी ये जो है ग्राफ पेपर, ये जो है ग्राफ पेजेस आपको मार्केट में स्टेशनरी की शॉप पे भी मिलेंगे, इसके लिए एक रिक्वायर्ड होता है कि ग्राफ पेपर जो है वो आपको स्टेशनरी की शॉप पे से मिल जाएंगे, वो भी हुए, या तो फिर आप सिंपल पेज पे भी बना सकते हो ओके। सो उसके लिए बट आपको जो स्केल से आप मेजरमेंट लो ना वो आपको ध्यान से लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 1-2 ये 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखा है तो फिर सारे में आप 1-1 सेंटीमीटर का ही गैप रखना है, फिर ऐसा नहीं कि 1 यहाँ पे और 2 फिर आपने कम गैप में रखा है, फिर आपने कम गैप में रखा है। सो यूनिफॉर्म, आपकी यूनिफॉर्म और सिमिलैरिटी होनी चाहिए स्केल के यूज में ओके, स्केल के मेजरमेंट में। अब यहां पे जो है सबसे हाईएस्ट क्या यूज होता है, तो आप इजीली आप ये समझ पाओगे कि सबसे हाईएस्ट जो है वो पेंसिल है, क्योंकि इसका ही ग्राफ जो है वो सबसे ज्यादा है। सो सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, पेंसिल, और सबसे कम जो है वो क्या यूज हो रहा है, दैट मींस पेन। तो यहाँ पे है पेन को हमने सबसे कम में दिखाया है ओके। अगर आपको मैं नंबर भी पूछूं कि नंबर बताओ तो यू कैन से कि 2, क्योंकि इसको हमने यहाँ से मेजर करना है 2 ओके। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप स्केल से ही इसका मेजर करना है ठीक है, अगर आप श्योर भी हो तो भी डबल श्योर होने के लिए आपको स्केल का यूज़ करना है। नाउ हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ ग्राफ, बट हॉरिजॉन्टली ग्राफ, मतलब कि स्लीपिंग पोजिशन पर ये ग्राफ है। तो मैंने जैसे बताया कि इट कैन बी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, बट मोर जो है रनिंग में जो है वर्टिकली हम ये स्टैंडिंग ग्राफ ही यूज़ करते हैं, ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या होता है, हमने उल्टा कर दिया है, नेम और डिटेल्स यहाँ पर लिखी है, नंबर्स नीचे लिख दिए हैं ठीक है। इट्स अपॉन यू हाउ यू हैव टू राइट द डेटा और हाउ यू हैव टू एनालिसिस द डेटा ओके। सो यहाँ पे हमने कोई भी आपके पास डेटा है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, अगर आपको ये हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है तो, और ये नीचे जो है आपको नंबर्स लिखने हैं ठीक है। बट ये जो है रेक्टेंगुलर बार, उसकी भी जो है विथ जो है वो आपको सबकी सेम करनी है। यहाँ पे भी दो लाइन आपको कंपल्सरी ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ठीक है, इंटरसेक्टिंग बाय ओ। नाउ ये तो रहा एग्जाम्पल जो था वो था बार ग्राफ का ओके। नेक्स्ट है लाइन ग्राफ। सो नाउ व्हाट इज द लाइन ग्राफ, सो यू कैन सी अ लाइन ग्राफ कनेक्ट्स इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स दैट टिपिकली डिस्प्ले क्वांटिटिव वैल्यूज ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल और इन्फॉर्मेशन दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर टाइम, मतलब कि बार बार कंटिन्यूसली चेंज जिसमें होता है उसके लिए वी आर गोइंग टू ड्रॉ लाइन ग्राफ ओके। कंटिन्यूसली जिसमें डेटा में इन्फॉर्मेशन में चेंजेस आता है तो उसके लिए बेटर ये रहेगा कि यू कैन ड्रॉ लाइन ग्राफ ओके। सो नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल लाइन ग्राफ, यहाँ पे भी मैंने रेंडमली एक डेटा लिया है, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ पुशअप्स, संडे को कितने हम पुशअप्स करते हैं, एक्सरसाइज का ही डेटा है ये पूरा। सो ये लाइन ग्राफ का पिक्चर है, आप यहाँ पे लाइन्स भी देख रहे हो ओके। यहाँ पे रेंडमली ये जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो रही है, मतलब कंटिन्यूसली वो चेंज हो रही है, एक सिमिलैरिटी नहीं है कि धीरे धीरे वो नहीं बढ़ रही, कंटिन्यू कभी एकदम डाउन है कभी एकदम अप है, तो उसके लिए वी आर गोइंग टू प्रीफर लाइन ग्राफ ओके। ऐसा जो लाइन ग्राफ है आप अपने न्यूज़ चैनल जब आप देखो ना तो वहां पे भी टीआरपी चार्ट आता है, सो टीआरपी चार्ट भी कभी कभी न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं, तो टीआरपी चार्ट भी इसी की तरह ही होता है। सो आप देखना उसमें भी ऐसा ही शो आपको करेंगे। सो ये जो है यहां पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यहां पे भी नंबर दिए गए हैं। अब ये जो है यहाँ पे इज यू कैन सी 0, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 5 का पूरा ये गैप है ओके, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर जो है 30 तक ही है ठीक है। तो अगर आपको 1, 2, 3, 4 से आप लिखोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और ये लाइन ग्राफ जो है वो बहुत आपको लेंदी तक ले जानी पड़ेगी। तो अगर ये नंबर ही जो है यहाँ पे 5, 5 के गैप में है वो आप डेटा देख के ही समझ जाओगे, तो आपको क्या करना है वो 5, 5 के गैप में लेना है। अगर वो कम गैप में है, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 लिखा होगा, तो आपको 1, 2, 3, 4 ऐसा आपको गैप लेना है ओके। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके पास एक पर्टिकुलर डेटा या टेबल होना चाहिए ठीक है। यहाँ पे तो मैंने रेंडमली ले लिया है लाइन ग्राफ,
ग्राफ का पिक्चर। सो यहाँ पे देखो संडे के दिन वो कितना जो है वो लाइन ग्राफ में पुशअप्स करता है, मंडे के दिन यहाँ पे देखो 15, संडे के दिन 25। सो ये जो है अप डाउन्स हो रहे हैं ये देखो। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये जो छोटे छोटे यहाँ पे जो मैंने नंबर लिखे हैं, आप अगर नंबर ना भी लिखो तो भी चलेगा, पॉइंट्स भी आप शो कर सकते हो। तो ये देखो वेनसडे के दिन सबसे लो है, फ्राइडे के दिन भी देखो जीरो है, मतलब कि एक भी नहीं किया है। सो ये देखो ये जो है ना, आप इसको आप मेजर कैसे करोगे, ये पॉइंट और ये मेजरमेंट को आपको देखना है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है यहाँ पे, तो आपको ये लाइन में देखना है कि ये कौन से नंबर तक है। तो ये 15, तो मंडे के दिन उसने कितने पिशअप्स किए, 15। तो ये एग्जांपल है लाइन ग्राफ का, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये भी एग्जांपल है एक लाइन ग्राफ का, रेंडमली ऐसे ही मैंने लिया है, ईयर का लिया है 0, 200, 400, 600, 800 and 1000, क्योंकि ये मैंने रेंडमली लिया है। तो 200, 400, 600 का कैप तक के नंबर लिए हैं। यहाँ पे भी देखो तो ये जो पॉइंट है ना, जैसे कि वो डेटा बता रहे हैं, ये जो पॉइंट है ना वो डेटा बता रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली इसमें चेंजेस हो रहे हैं, इसके लिए वी आर गोइंग टू प्रेफर लाइन ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक इज पाई चार्ट। सो नाउ व्हाट इज पाई चार्ट, यू कैन सी सर्कुलर ग्राफ, ओके ये सर्कुलर टाइप का आपको दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं पाई चार्ट, और यू कैन से चपाटी चार्ट। इसमें क्या होता है कि होल एक अमाउंट होता है, एक पूरा एक, जैसे कि आपने फ्रैक्शन भी सीखा है ना कि होल नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर, पूरा अमाउंट और उसमें से ही फिर हाफ हाफ करके हम जो आधे आधे पोर्शन लेते हैं वो वाला। तो यहाँ पे ये वाले चार्ट के बारे में हम सीखेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चपाटी चार्ट, अ टाइप ऑफ ग्राफ इन विच अ सर्कल इज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट सेक्टर। ओके अ टाइप ऑफ ग्राफ इन विच अ सर्कल इज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट सेक्टर्स, ईच सेक्टर रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल इज नोन एज चपाटी चार्ट, और वी कैन से अ पाई चार्ट। आप उसको चपाटी चार्ट भी बोल सकते हो क्योंकि वो रोटी की तरह गोल गोल दिखता है, या तो फिर उसको पाई चार्ट भी बोल सकते हो। ओके क्योंकि वो जो डेटा है आपके पास, इसके लिए भी आपको एक डेटा तो रिक्वायर्ड है ही, मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप उसको एक चार्ट के तौर पे आप उसको रख पाओगे। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप उसका चार्ट कैसे बनाओगे, है ना। तो यहाँ पे भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रेंडमली फ्रूट का एक चार्ट लिया है, ओके ब्लूबेरी रास्पबेरी और एप्पल। ओके सो आप जो मैक्सिमम नंबर है ये जो है यहाँ पे, तो ये कलर है, अगर आप पेंसिल से भी इसको ड्रॉ करो ना तो आप पेंसिल से भी इसको शेड कर सकते हो, ठीक है। ये सर्कुलर है। इससे पहले हमने क्या देखा, ग्राफ देखा, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। थर्ड वन है चपाटी चार्ट, वो भी पूरा सर्कल में है। इसके लिए आप यू कैन सी कि आपको जो है लाइन ग्राफ और बार ग्राफ से ये डिफरेंट है, ये सर्कल में, सर्कल सेट में है। सो ये जो पूरा अमाउंट है, मतलब कि इतना अमाउंट हमारे पास है, उसमें से जो है ब्लूबेरी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, तो ब्लूबेरी का मैंने यहाँ पे कलर दिखाया है क्योंकि मैंने ये कलरिंग है तो पिक्चर, तो आपको ब्लूबेरी कलरिंग है ये, तो ग्रीन है, सो ग्रीन यू कैन सी। एंड रास्पबेरी, तो रास्पबेरी यू कैन सी, मोस्ट पीपल लाइक रास्पबेरी, सो रास्पबेरी, रास्पबेरी का जो है मैक्सिमम जो है ये पोर्शन है, मैक्सिमम एरिया जो है वो कवर्ड है। और एप्पल का है ये वाला पोर्शन है, क्योंकि एप्पल में मैंने ये वाला कलर शो किया है, सो एप्पल के लिए ये। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है ये पाई चार्ट देख के क्या पता चलेगा, जैसा कि आपको ग्राफ में पता चलता था कि आपके पास कोई रिटर्न डेटा नहीं था, बट आपके पास सिर्फ चार्ट था, मतलब कि ऐसा वाला चार्ट। तो बार बार आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये चार्ट देख के भी आसानी से समझ जाओगे कि रास्पबेरी जो है वो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, ब्लूबेरी जो है और एप्पल जो है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर आपको शो होता है। सो इसको बोलते हैं पाई चार्ट, जो कि पूरा वो सर्कुलर होता है। एज यू कैन सी कि होल और उसमें से कोई ईच सेक्टर, उसको बोलते हैं पाई चार्ट। ओके यहाँ पे मैंने एक आपको दिखाया गया है कि एक पूरा सर्कल है, एक पूरा होल पार्ट है, उसमें से हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, मतलब कि जैसा फ्रैक्शन में हमने सीखा था ना, होल पार्ट, होल नंबर और उसका फ्रैक्शन, मतलब उसी नंबर में से हाफ नंबर, तो इसमें भी ऐसा ही है। इसको बोलते हैं पाई चार्ट, एक होल अमाउंट होता है उसको हम सेक्शन वाइज, सेक्टर वाइज उसको डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं पाई चार्ट। ये सारे जो डेटा है ना आपको, जैसे ग्राफ चार्ट, लाइन ग्राफ, चपाटी चार्ट, इससे क्या हेल्प होती है कि आप जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इजीली फटाफट समझ जाओगे, फिर आपका ज़्यादा वक्त उसमें नहीं होगा, और बार बार आपको फिर टैली भी नहीं करना पड़ेगा कि चलो बताओ कितने स्टूडेंट्स को ये पसंद है, या फिर कोई भी चाहे डेटा हो, अगर आपको अपने आप के लिए भी ये डेटा सेव करना है तो भी आप ये ऐसा सेव कर सकते हो। इससे क्या होता है, आप क्विकली थिंग्स जो है सोल्व कर सकते हो, क्विकली आपका टाइम भी बच जाता है, और क्विकली आप समझ भी सकते हो, दूसरों को भी समझा सकते हो, ठीक है। फिर बार बार आपको डिटेल में नहीं बताना पड़ेगा, आप बता सकते हो कि ये चार्ट देखो, इसकी इंफॉर्मेशन को आप रीड करो, ओके, तो आप इजीली समझ जाओगे। अब इसके रिगार्डिंग ही, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने
ये जो है पिक्चर आपकी वर्कबुक में नहीं है, ये मैंने दूसरा पिक्चर लिया है आपको पाई चार्ट एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ऋषिका का पूरा है, ये पूरा इसका जो है वो कितने घंटे कहाँ पे स्पेंड कर रही है वो पूरा इसका है यहाँ पे ऋषिकास डे। सो यहाँ पे देखो पूरा पाई चार्ट ही है, यहाँ पे ग्राफ नहीं है, बार ग्राफ नहीं है, लाइन ग्राफ नहीं है, पाई चार्ट के ही रिगार्डिंग एक्सरसाइज है। वेयर डज ऋषिका स्पेंड हर फ्यूएस्ट नंबर ऑफ आवर्स, तो फ्यूएस्ट नंबर कहाँ है, सो एज यू कैन सी फ्यूएस्ट नंबर है प्ले ग्राउंड में, सबसे कम पोर्शन दिया गया है प्ले ग्राउंड को, सो हियर विल बी द आंसर इज प्ले ग्राउंड। हाउ मेनी आवर्स डिड ऋषिका स्लीप, ऋषिका कितने घंटे स्लो होती है, तो ये जो मैक्सिमम आवर है दैट इज 10 आवर्स वो जो है, तो ये जो है ना ये डेटा आपको किसके लिए काम आया, आपने इजीली इसको थिंग्स को क्वेश्चंस का आपका आंसर दे दिया क्योंकि आपके पास ये डेटा ऑलरेडी है ही, आपको सेक्टर वाइज से सॉल्व करना है। ओके नाउ आपकी मैथ्स की वर्कबुक में बार ग्राफ रिलेटेड और लाइन ग्राफ रिलेटेड एक एक्सरसाइज है एज यू कैन सी, और इसके रिलेटेड और भी आगे एक है चपाटी चार्ट, जिसमें आपको खुद से ही चपाटी चार्ट बनाना है, वो भी कैसे बनाना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट ये जो है बार ग्राफ और लाइन ग्राफ के रिगार्डिंग एक्सरसाइज हम सोल्व कर लेते हैं जो कि आपकी मैथ्स की वर्कबुक में है। द ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मेडल्स वोन बाई USA इन ओलंपिक्स इन डिफरेंट ईयर्स, टेक अ लुक एट द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको ग्राफ के बारे में आइडिया है कि ग्राफ किसे कहते हैं, अ डायग्राम इन विच द डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ इक्वल विथ, ओके, जिससे आपको डेटा जो है वो इजीली पता चल पाए। यहाँ पे जो है ईयर लिखे हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे यहाँ पे जो है नंबर ऑफ मेडल्स लिखे हैं, ठीक है। सो इन विच ईयर डिड USA वोन मैक्सिमम मेडल्स एंड हाउ मैनी, अब मैक्सिमम मेडल्स की बात हो रही है तो मतलब कि जो रेक्टेंगुलर बार है वो सबसे हाईएस्ट होगा, तो ये है ये रेक्टेंगुलर बार जो सबसे हाईएस्ट है वो ये रहा इन 2016। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कितने, तो यहाँ पे ऑलरेडी नंबर लिखे हैं 121, ओके आपकी मैथ्स की वर्कबुक में ये ऊपर नंबर लिखे हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे ईयर और उसके मेडल नंबर लिखने हैं। इन विच ईयर डिड USA विन लीस्ट नंबर ऑफ मेडल्स, हाउ मैनी, सो लीस्ट नंबर है मतलब कि रेक्टेंगुलर बार जो है वो सबसे डाउन होना चाहिए क्योंकि लीस्ट नंबर कम नंबर की बात हो रही है, सो यू कैन सी दिस नंबर इज 100 के भी नीचे है। आप अपने मैथ्स की वर्कबुक में ये वाला पेज जो है वो ध्यान से देखिएगा। सो ये है 2000 के ईयर में है सबसे लीस्ट नंबर है और वो है नंबर मेडल के 93, तो आपको यहाँ पे 2000 कोमा करके 93 लिखना है। ऐसे ही आपको ये सब जो है पर्टिकुलर आंसर इसके अकॉर्डिंग टू दिस रेक्टेंगुलर बार रेक्टेंगुलर ग्राफ के रिगार्डिंग आपको ये पहले स्टडी करना है, फिर ये जो है क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ऐसा ही है ये लाइन ग्राफ के रिगार्डिंग आपकी टेक्स्ट बुक में, आपके मैथ्स की वर्कबुक में ये एक्सरसाइज है। यहाँ पे भी ये ग्राफ ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पे डेज लिखे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ये जो है ये नंबर लिखे हैं सेंटीमीटर्स में, सो आपको क्या करना है नंबर ऑफ सेल्स के रिगार्डिंग ये पूरा है डेटा, तो आउट ऑफ द गिवन डेटा ऑन विच डे वॉज द सेल्स मैक्सिमम। अब लाइन ग्राफ के बारे में आपको पता है जिसमें कंटिन्यूसली चेंजेस होते हैं ना उसको बोलते हैं लाइन ग्राफ, उसके लिए हम लाइन ग्राफ भी यूज करते हैं। सो व्हाट इज लाइन ग्राफ, अ लाइन ग्राफ इज यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर टाइम, वो हर टाइम में चेंजेस होता है, सो उसके लिए लाइन ग्राफ हमने प्रीफर किया है। इसके रिगार्डिंग एक एक्सरसाइज है आपके मैथ्स की वर्कबुक में, आउट ऑफ द गिवन डेटा ऑन विच डे वॉज द सेल्स मैक्सिमम, तो ये जो डॉट को आपको फॉलो करना है कौन से डे पे मैक्सिमम सेल हुआ, तो 25 ये जो है डे और ये है 25, तो आपको लिखना है ये डे 25 और आपको ऑप्शन पे टिक करना है। नाउ ऐसे ही है फॉर रेंडमली द नंबर ऑफ केजी ऑफ मैंगो सोल्ड ऑन डे 15 इज 6, डे 15 को आप देखो इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे है 6, तो ये जो है डॉट जो है वो ऑलरेडी 10 से अप है, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो गलत है, सो यू हैव टू राइट येस और नो। ओके सो स्टूडेंट्स ये जो है ना ये ग्राफ लाइन ग्राफ या फिर चपाटी चार्ट इसका बेस इसका मतलब क्या हुआ कि ये चपाटी ग्राफ बार ग्राफ या लाइन ग्राफ आपको जो है डेटा जो है क्विकली आपको समझने या समझाने में या फिर डिस्प्ले करने में या फिर उसका जो रिकॉर्ड जो है वो लंबे समय तक आप अपने पास रख सकते हो, इसलिए ये सारे चार्ट्स जो है आपको यूजफुल है। बहुत सारे जो है ये डेटा जो आपको अगर आपको अपने खुद के लिए भी सेव करने हैं तो भी आप ये डेटा जो है रख सकते हो लंबे समय तक, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी ही मैथ्स की वर्कबुक में जिसमें ये जो टेबल है दिया गया है आपको डेटा बनाना है, मतलब कि एक्सरसाइज कैसे भी हो सकती है, या तो आपको ये बार ग्राफ बनाने को बोला जा सकता है या तो फिर आपको उसका टेबल, जैसा कि मैंने बोला पहले बोला था कि जैसे ये बार ग्राफ बनाना है तो
किसके अकॉर्डिंग आप बार ग्राफ बनाओगे, उसके लिए पर्टिकुलर एक डेटा तो होना चाहिए ना। सो डेटा इज मोस्ट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ एनी चार्ट, मतलब कि कोई भी चार्ट बनाने के लिए एक डेटा जो है पर्टिकुलर रिक्वायर्ड होना चाहिए, फिर ही जाके आप ये जो है डेटा, ये जो है ग्राफ आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, पूरा आपको ग्राफ दिया गया है, आपको डेटा टेबल बनाना है, इन्फॉर्मेशन टेबल आपको बनाना है। सो क्लास वन में है 27, सो आपको यहाँ क्लास वन में है 22, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास के जो है क्लास 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा है, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एम्प्टी है। यहाँ पे पूरा ग्राफ जो है ड्रॉ किया गया है, आपको सिर्फ नंबर लिखने हैं, यू हैव टू राइट जस्ट नंबर। सो क्लास वन में है 22, सो यू हैव टू राइट हियर 22। क्लास टू में आप देखो 15 पे यहाँ पे है ये रेक्टेंगुलर बार, सो यू हैव टू राइट हियर 15। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, आप ही खुद से भी कर सकते हो। डिफरेंस यही है कि यहाँ पे सिर्फ आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आपको टेबल्स ड्रॉ करना है। एंड लास्ट वन एक्सरसाइज इज ट्रू और फॉल्स। तो ये जो है लाइन ग्राफ है, और लाइन ग्राफ के रिगार्डिंग ये डॉट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना है। फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ वन ईयर किड विल बी 8 kg। ओके, सो वन ईयर किड यहाँ पे ईयर्स यहाँ पे लिखे हैं, वेट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो वन ईयर का किड का डॉट देखो यहाँ पे ऊपर है, ये 8 से थोड़ा नीचे है, देखो ये 8 तो यहाँ पे पूरा हो रहा है, 8 से थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पे देखो ये पूरा 8 पे ही है। सो वेट ऑफ वन ईयर, वेट ऑफ वन ईयर किड विल बी 8 kg। सो ये वन ईयर की आप कॉलम देखो और यहाँ पे पॉइंट आपको देखना है, सो ये 8 पे एग्जैक्ट है, सो ट्रू। वेट ऑफ टू ईयर किड विल बी 12 kg, सो 12 kg और ये टू ईयर, तो ये रहा 10 पे, ये तो पूरा 10 पे ही है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो ऐसे ही ट्रू और फॉल्स आपको खुद से करने हैं। आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प लेनी हो, और ये जो मेजरमेंट है यहाँ पे जो सेंटीमीटर में अगर मेजरमेंट दिया गया है तो वो आपको ध्यान से करना है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो है सारे रेक्टेंगुलर बार मीन्स की ग्राफ, लाइन ग्राफ और चपाटी चार्ट का जो है यूज़ हमें क्या होता है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे ग्राफ जो है कैसे ड्रॉ करने हैं वो सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।